And we're live with Chad for his morning glow-up. Oh, low battery alert. Plug that baby in and pick out some sick drip. Oh, don't forget nibbles. Boom! One day's power in 15 guys, minutes. काफी टाइम के बाद OnePlus ने अपना एक न्यू स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया, OnePlus Nord C2 5G. नाम जो आपको इसका काफी बड़ा देखने के लिए मिल जाता है और जो इसकी स्पेसिफिकेशन देखने के लिए मिल जाता है वो भी काफी नेक्स्ट लेवल वाला भी इसको आपको देखने के लिए मिल जाती है। आज के इस वीडियो में हम जो है इसी के बारे में बात करने वाले हैं, सारी चीजें आपके साथ शेयर करूंगा, तो वीडियो का एंड तक देखते रहना। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लेना, क्योंकि जो ऐसे इंटरेस्टिंग हमारे चैनल पर आते रहते हैं। सबसे पहले इसके हम जो डिजाइन के बारे में बात करते थे, इसका आपको जो डिजाइन है आपको ओप्पो रेनो 7 प्रो की तरह देखने के लिए मिल जाता है, जो कि काफी प्रीमियम आपको इसका जो डिजाइन देखने के लिए मिल जाता है। इसमें आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मॉड्यूल देखने के लिए मिल जाता है और जो आपको मैक्रो लेंस के आपको जस्ट नीचे आपको एक एलईडी फ्लैश भी देखने के लिए मिल जाता है। जैसे OnePlus के स्मार्टफोन में OnePlus की ब्रांडिंग होती है, वैसे ही आपको इस स्मार्टफोन में बैक में देखने के लिए मिल जाता है। आपको जो है साइड का पंच होल कैमरा देखने के लिए मिल जाता है, जो कि काफी अच्छा देखने के लिए इसका आपको जो डिजाइन देखने के लिए मिल जाता है। 173 ग्राम का आपको इसका फोन का वेट देखने के लिए मिल जाता है और आपको 7.8 mm की थिकनेस देखने के लिए मिल जाता है, जो कि काफी स्लिम आपको इसमें देखने के लिए मिल जाता है। बात करूं अगर इसके डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले में आपको जो 6.43 इंच की AMOLED डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाता है, 90Hz रिफ्रेश रेट आपको इसमें देखने के लिए मिल जाता है और HDR 10 प्लस का इसमें आपको जो सपोर्ट भी देखने के लिए मिल जाता है। रिजोल्यूशन में आपको 1080x2400 पिक्सल देखने के लिए मिल जाता है और प्रोडक्शन में आपको कोरिंग और एग्रास 5 की प्रोडक्शन देखने के लिए मिल जाती है, जो कि काफी अच्छी डिस्प्ले आपको इसमें देखने के लिए मिल जाता है, जो कि एक AMOLED डिस्प्ले है। गाइस बात करो अगर इसके प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर में आपको MediaTek Dimensity 905 की प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाता है, 6nm वाला प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाता है, जो कि काफी पावरफुल प्रोसेसर है, जो कि आपको Android 11 का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है, कलर OS नहीं ऑक्सीजन OS देखने के लिए मिल जाता है 11, जो कि आपको बॉक्स के अंदर आउट ऑफ द बॉक्स आपको जो है Android 12 जो है कम से कम होना ही चाहिए था, एंड को जो इसमें आपको Android 12 का सपोर्ट देना ही चाहिए था। CPU में आपको जो ऑक्टो कोर देखने के लिए मिल जाता है, GPU में आपको जो Mali G68 देखने के लिए मिल जाता है, जो कि काफी अच्छा प्रोसेसर आपको इसका जो देखने के लिए मिल जाता है OnePlus Nord C2 5G का। बात करूं इसके RAM एंड स्टोरेज की, तो इसमें आपको दो वेरिएंट देखने के लिए मिल जाता है, 6+128GB और 8+128GB। इसमें आपको मेमोरी कार्ड का स्लॉट भी देखने के लिए मिल जाता है, LPDDR4X RAM देखने के लिए मिल जाता है, UFS 2.2 स्टोरेज सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। अगर आप एक फोटोग्राफर हो तो फोटोग्राफर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसका कैमरा। कैमरे में आपको जो 64MP का मेन कैमरा देखने के लिए मिल जाता है, 8MP का आपको अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 2MP का आपको मैक्रो लेंस देखने के लिए मिल जाता है। फीचर्स में आपको LED फ्लैश, HDR मोड, पैनोरामा मोड देखने के लिए मिल जाता है और वीडियो में बात करूं तो वीडियो में आप जो 4K पे आप जो 30fps पर शूट कर पाओगे और साथ ही सेल्फी की बात करूं तो सेल्फी में आप जो है 16MP के आपको इसमें सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिल जाता है। फीचर्स में आपको जो है HDR मोड देखने के लिए मिल जाता है और साथ ही वीडियो की बात करूं तो वीडियो में आप जो है 1080p पे आप जो 30fps पर आप जो है शूट कर पाओगे, 60fps पर आप जो है शूट नहीं कर पाओगे। गाइस बात करो अगर इसके फीचर्स की, तो फीचर्स में आपको जो स्टीरियो स्पीकर देखने के लिए मिल जाता है, 3.5mm का जैक देखने के लिए मिल जाता है, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने के लिए मिल जाता है और कॉलिंग सेंसर जितने भी स्मार्टफोन में सेंसर होते हैं वो सारे ही आपको जो स्मार्टफोन में देखने के लिए मिल जाते हैं। बात करो अगर इसके कनेक्टिविटी की, तो कनेक्टिविटी में आपको जो वाईफाई डुअल बैंड का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है, ब्लूटूथ 5.2 देखने के लिए मिल जाता है, GPS देखने के लिए मिल जाता है, NFC देखने के लिए मिल जाता है, रेडियो आपको इसमें देखने के लिए नहीं मिलती और USB का टाइप सी का पोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। बात करो अगर इसके बैटरी की, तो बैटरी में आपको 4500mAh की बैटरी देखने के लिए मिल जाता है और 65W का आपको बॉक्स के अंदर चार्जर देखने के लिए मिल जाता है, जो कि अप्रोक्स आपकी जो 45 मिनट में आपकी जो 0 से लेके 100% तक चार्ज कर देगा, जो कि काफी फास्ट देखने के लिए आपको इसमें मिल जाता है। इस बात करो अगर इसके कलर्स की एंड प्राइसिंग की, तो कलर्स में आपको जो दो कलर देखने के लिए मिल जाता है, मिरर ग्रे देखने के लिए मिल जाता है और भामा ब्लू देखने के लिए मिल जाता है। प्राइस की बात करूं तो प्राइस के लिए आप जो डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो और मैंने जो आपको इस वीडियो में आपके साथ सारी चीजें आपके साथ शेयर कर दी। आपको वीडियो कैसी लगी आपको जरूर कमेंट बॉक्स में बताना है, वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लेना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।